अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया और डिफरेंट टॉपिक जो कि डेसिमल से रिलेटेड ही है। जैसा कि आपको याद होगा कि हम प्रीवियस क्लासेस में डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं कि हम डेसिमल्स को किस तरीके से लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स देखते हैं। जैसा आपको याद होगा, हमने फ्रैक्शंस में भी देखा था, फ्रैक्शंस में हमने देखा था कि लाइक टर्म्स जो होती हैं वो टर्म्स होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 1/2 और 1/3 है, 2 और 3 जो हैं डिनोमिनेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हमेशा फ्रैक्शन को अनलाइक कर देते हैं। और अगर 1/2 होगा और 1/2 होगा तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो क्या होती थी, लाइक टर्म्स होती थी। इसी तरीके से डेसिमल में भी हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म्स होती हैं। सो वी आर ऑन पेज 64, लेट्स सी हमें किस तरीके से समझाया जा रहा है लाइक और अनलाइक टर्म्स। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। ओके, लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनकी तादाद सेम होती है, उनकी क्वांटिटी सेम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेसिमल प्लेसेस होती क्या हैं। डेसिमल किसको कहते हैं, पॉइंट को। वेरी गुड, पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल, और डेसिमल प्लेसेस होती हैं जो कि पॉइंट के बाद आती हैं। पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो लेट्स सी कि लाइक टर्म्स जो हैं वो टर्म्स होंगी जो कि डेसिमल प्लेसेस में एक जितनी क्वांटिटी में होंगी। अदरवाइज डेसिमल नॉट हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट of the decimal point are unlike decimals. Okay, अगर दो numbers हैं और उनके point के बाद digits की quantity ज़्यादा है एक दूसरे से या फिर एक दूसरे से different है, वो होंगे unlike terms of decimals. All right, ये rule हमारे पास सिर्फ decimal में ही होगा क्योंकि decimal के अंदर decimal places होना ज़रूरी है और डेसिमल प्लेसेस पॉइंट से आती हैं। ऑलराइट, तो लाइक और अनलाइक डेसिमल्स आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, 5.45 एंड 17.05, 272.89 एक्सेट्रा आर लाइक टर्म्स। यू अंडरस्टैंड हेयर, यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं। ऑलराइट, इन तीन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो हर नंबर के पॉइंट के बाद दो डिजिट्स मौजूद हैं। ऑल राइट, एक में है 04, एक में है 45, एक में है 89, तो दो दो नंबर्स हैं, क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, लाइक डेसिमल्स होंगे। ऑल राइट, इनको हम टर्म्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज डेसिमल नंबर्स आर रिटन एज टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल प्लेसेस टू होंगी। उसके बाद हम देख रहे हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है 7.5, 23.16 एंड 31.054 एक्सेट्रा। अब आप देखें ये तीनों नंबर्स जो हैं, एक में एक डिजिट है, एक में दो हैं पॉइंट के बाद, और एक में पॉइंट के बाद तीन हैं। अब जो है हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो नंबर्स होंगे अगर तो उनकी क्वांटिटी सेम है तो वो लाइक डेसिमल्स हैं, और अगर नहीं है तो वो अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स किसकी हैं, अनलाइक डेसिमल्स की हैं। वेरी गुड, आई नो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं जी हाउ टू कन्वर्ट लाइक टू अनलाइक और अनलाइक टू लाइक टर्म डेसिमल्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट हमारे पास है जी डिटर्मिन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच डेसिमल नंबर। टेक द नंबर विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मेक द अदर डेसिमल नंबर विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस,
by adding extra zeros to the right of the left number until get the greatest number of decimal places. अब क्या है, ऐसा है कि जो पॉइंट के बाद नंबर्स होते हैं उनके आगे हम जितने भी ज़ीरो लगा दें वो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता. ऑल राइट, और अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो है उसमें हम मज़ीद ज़ीरोज़ ऐड नहीं कर सकते. मतलब अगर आपने लाइक टर्म करने हैं, अनलाइक टर्म्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.2 है और 1.23 है. ऑल राइट, अब आप देखो 1.2 में एक नंबर कम होगा क्योंकि दूसरा नंबर जो है वो 1.23 है. आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसमें राइट साइड पे ज़ीरो ऐड कर देंगे. हमेशा आपने राइट साइड पे ज़ीरो ऐड करना है. कितने ज़ीरो ऐड करने हैं आपने, 1 0 ऐड करना है क्योंकि 1 digit कम है, क्योंकि हमने इसको 2 digit के इक्वल लेकर आना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम लेफ़्ट साइड पे क्यों नहीं ज़ीरो ऐड कर सकते, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो ऐड करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो डेसिमल मौजूद है हमारे पास. ऑल राइट, सो आई नो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सो अब देखते हैं एग्जांपल 1. पेज 64 पे एग्जांपल 1 आप देखें जी. कन्वर्ट 16.78, 9.896 and 876 and 0.42 like decimals. ओके, अब क्या है, तीन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर. इन तीन नंबर्स को आपने लाइक टर्म्स करना है. एक नंबर के पॉइंट के बाद दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर के पॉइंट के बाद 3 एंड एक के बाद 1. अब जो 0.4 है उसमें हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं. ऑल राइट, और वो दो नंबर्स हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ ज़ीरो ऐड कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे 0.44. उसके बाद है एक 16.78 में भी एक ज़ीरो कम है, ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड नंबर है उसके अंदर पॉइंट के बाद तीन नंबर्स मौजूद हैं. तो वो तीन नंबर्स की वजह से हमने इन सब के तीन नंबर कर दिए हैं. यू कैन सी द एग्जांपल इन डिटेल. आप देख सकते हो द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल इज़ 3. We have to make 16.78 and 0.4 to have 3 places of decimal. Okay, one question come to our mind again, कि क्यों नहीं हम एक जो हमारे पास 3 decimal places वाला number है, हम क्यों नहीं उसके number कम कर देते. नहीं, हम उसके number कम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम 0 add कर सकते हैं क्योंकि 0 add करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, मगर number remove करने से फ़र्क पड़ता है. अच्छा जी, उसके बाद है जी 16.78 has 2 places. We add 1 0 after 8. 8 के बाद हम 1 0 ऐड करेंगे. 16.78 will become 16.780. उसके बाद है जी 0.4 will become 0.400 which I have already discussed it with you. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं. एग्जाम्पल नहीं है, प्रैक्टिस है. सो सी सर्कल द लाइक डेसिमल्स. ए में कौन से लाइक डेसिमल्स हैं. लाइक डेसिमल वो होते हैं जिनके पॉइंट के बाद सेम नंबर, सेम डिजिट ऑफ नंबर्स होते हैं या फिर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं. अच्छा जी, 3.9 है, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारे पास है. 4.01 है, नो ये दोनों मैच नहीं होते हैं. 19.3 है, यस. 7.8, 19.3 एंड 3.9, ये तीनों नंबर्स जो हैं हमारे पास लाइक नंबर्स हैं. ऑल राइट, सो बाकी 3 पार्ट्स आप खुद करने की कोशिश करें. मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिसमें हम ये पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे. टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनको अपने लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में ज़रूर बताइएगा. अल्लाह हाफ़िज़.